देखिए इस संसार में जितने लोग हैं ना सब दुखी हैं, उनके दुख का कोई कारण नहीं है। जो लोग इस संसार में दुखी हैं, परेशान हैं, उनके दुख का कोई कारण नहीं है। अब आप लोग हमको भले कुछ भी बोलो कि आप झूठ बोल रहे हो, आपको क्या पता, आप तो बढ़िया आए, रसोई चल रही है बढ़िया, सुबह शाम छान रहे हैं बढ़िया बढ़िया, आपको क्या पता है, यहाँ 12 घंटा ड्यूटी बजाना पड़ता है साहब, आपको क्या पता, ऐसे लोग बोलते हैं। पहले ना आप ही के जैसे हम भी थे कभी कॉलेज में, और हमसे ज्यादा गाली आप साधुओं को नहीं दिए जितना गाली हमने दिया। कोई काम नहीं केवल बैठ के दूसरों का खाना है खा करके बस बहुबात करना है, लेकिन ये बुद्धि खुली तब जब अपने से वेल क्वालिफाइड लोगों को देखा हमने भजन करते, और जिनके बीबी बच्चे हैं वो 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, लेकिन जो बाबा जी बने हैं वो 4 घंटे केवल सो रहे हैं, केवल 4 घंटे। 12 बजे सोते हैं, 4 बजे रात को उठ जाते हैं, 12-12 बजे रात तक ग्रंथों का लेखन करते हैं, अपने नाम जप को पूरा करते हैं, क्योंकि दिन भर आश्रम की सेवा के लिए। वो कौन किस बीवी बच्चे के लिए कमा रहे हैं? आप तो खैर अपने बीवी बच्चों के लिए कमा रहे हैं, वो किस बीवी बच्चे के लिए परेशान हो रहे हैं? तो जब आपका पाला ऐसे लोगों से जिस दिन पड़ जाएगा उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि हम गलती कहां कर रहे हैं। जिनके लिए दिन रात मर रहे हो बीबी और बच्चों के लिए कितना समय देते हो, उनके साथ कितना समय रहते हो? अरे एक आध घंटा सुबेरे, एक आध घंटा शाम, बस इतना ही। तो आपका सबसे ज्यादा समय कहां जा रहा है? हम ये नहीं कह रहे नौकरी छोड़ दो, लेकिन अपने समय को डिवाइड करो। इसीलिए हम बोले 10 से 5 ड्यूटी, 5 बजे के बाद 6 बजे घर में आ जाएंगे, परिवार को समय देंगे, बच्चों के साथ थोड़ा सत्संग करेंगे, नाम जप करेंगे, बाकी उनके साथ बैठ करके पढ़ाई देखेंगे उनकी, जरूरी है उनको पढ़ाना लिखाना। हमें अपने समय को बांटना पड़ेगा। आज माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं। 10 बजे साहब घर में घुसते हैं, जब बिटवा सोए जाता है तब फिर तुम हम बाप का किरदार निभा रहे हो अच्छे से? पैसा देने से बच्चे नहीं बनते साहब, कि पैसा फेंको तो बच्चे बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, बच्चों को बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। इसी समय का ध्यान रखिए, हमको क्या करना है। इसलिए जब हमने भी देखा ऐसा, हमारी भी बुद्धि घूम गई, उसी दिन सब कापी किताब उठा के बोरिया में भर दी, बस आज से ही मामला खत्म, आज से अपनी तरफ चलेंगे। कितना बड़ा रिस्क लिए थे जीवन में, आगे जीवन में क्या होगा, भविष्य क्या होगा, कुछ नहीं सोचे। अब सौंप दिया इस जीवन को रघुनाथ तुम्हारे चरणों में, जीवन को समर्पित करके देखिए, करके तो देखिए कभी। मैं तो चैलेंज देता हूं, इसमें से जितने लोग बैठे हैं आपको हम आप एक काम देते हैं, 6 घंटा रोज आपको जप करना पड़ेगा हमारे पास रह करके, आपको खाना पीना कपड़ा सब कुछ देंगे, रहने की सारी व्यवस्था देंगे, कोई तैयार है चलने के लिए? लेकिन 6 घंटा आपसे हम जप करवाएंगे और कुछ काम नहीं, झाड़ू पोछा बर्तन कुछ नहीं, आपको सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन 6 घंटे बैठ करके आपको जप करना पड़ेगा। नानी याद आ जाएगी, नानी याद आ जाएगी 6 घंटा बैठ के जप करने में, सब कुछ मिलेगा। हमारे प्रभुपाद जी जब विदेश गए, विदेश से आए जब इंडिया, इंडिया आए तो जब भक्त लोग इकट्ठा हुए, जब गोष्ठी होने लगी तो बोले, एक भक्त ने पूछा कि गुरु जी ये बताइए कि बहुत सारे लोग मांगते हैं पैसा, तो क्या करना चाहिए हमको? तब उन्होंने कहा था कि जितने मांगने वाले हैं उन सबको कह दो कि मांगना बंद करें और वो हमारे आश्रम में आ जाएं, और केवल 6 घंटे वो नाम जप करेंगे, भोजन खाना कपड़ा सब कुछ हम देंगे, सब भाग गए छोड़ के, कोई नहीं है। 6 घंटा भजन करना बहुत कठिन है, जो काम महात्मा करते हैं। कभी आप उस रास्ते पर आकर के देखो कितना रिस्क है,
कितना कठिन जीवन है, अकेले रहना कितना कठिन है, वो आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे आप लोगों को लगता होगा साधु का जीवन बहुत आसान है, बहुत कठिन है साहब, बहुत कठिन है वो। तो जब हम कथा बांच के जाते हैं तब हमको समझ में आता है कि जब कमरे में पूरा कूड़ा कबाड़ा भरा पड़ा है, ऐसे ही गंदा पड़ा, बिना खाए पिए ट्रेन में यात्रा किए हैं, अब वहां जाकर के कमरा खोल रहे हैं तो देख रहे हैं कि सब धुआं धक्कड़ पड़ा है। अब चलो झाड़ू उठाओ, पोछा उठाओ, धुलो माजो पोछो, साफ करो, फिर सामान रखो, नहाओ धो। मन करेगा खाना बनाने का, चलो कुछ नहीं जो बैग में है खा करके चलो आराम कर दो, छोड़ो बाद में देखेंगे। अकेले जीवन यापन करना कितना कठिन है, बक बक करने के लिए ना सबका मुंह वो देखे ना, वो क्या कहते हैं उसको क्या, मगरमच्छ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मगरमच्छ के दाबने की सामर्थ्य तो बहुत होती है, लेकिन अगर एक बच्चा भी ऐसे हाथ से पकड़ ले तो वो मुंह खोल नहीं सकता है। मगरमच्छ के अंदर दाबने की क्षमता होती, खोलने की क्षमता नहीं होती, लेकिन हम लोग उससे भी बदतर हैं। हम लोगों का मुख देखो, कैसी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, कैसे साधुओं के ऊपर हम लोग उंगली उठाते हैं, कैसे बोलते हैं, एक दिन उनके जैसा आप जीवन नहीं जी सकते, गारंटी से कहते हैं, एक दिन नहीं जी सकते। और जैसे आप लोग कहते हैं ना, जितना साल हमने दिया है बहुत कम जीवन दिया है, बहुत कम समय दिया है, उतना ही जीवन आप दे करके देखो, जो आज मैं बोल रहा हूं वही आप बोलोगे, वही आप बोलोगे। हाँ, पहले हमको अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, क्योंकि भगवान की कृपा जब तक नहीं होती तब तक हम लोगों को ये सब बातें समझ में नहीं आती, बातें समझ में नहीं आती। इसलिए ये नाम, और एक बात